फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कैसे करा सकते हो। बिकॉज अगर आपने HDFC क्रेडिट कार्ड लिया है तो यहाँ पे आपको हर साल एनुअल चार्जेस भरने ही पड़ते हैं, भले ही आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करो या ना करो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कैसे करा सकते हो। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तरीके की बात करें तो हर क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे आपको एक एनुअल स्पेंड टारगेट दिया जाता है। अगर आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर आप अपने मनी बैक क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 50,000 रुपीज खर्च कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका एनुअल फीस है वो यहाँ पे आपका वेव ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से हर क्रेडिट कार्ड का एक अपना एनुअल स्पेंड टारगेट होता है। अगर आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपका जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ कर दिया जाता है। और अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड के एनुअल स्पेंड टारगेट के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे सारे क्रेडिट कार्ड के वीडियो के लिंक दे दूंगा। सारे क्रेडिट कार्ड के वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है, अब उस क्रेडिट कार्ड के वीडियो को ओपन कर लो, वहां पे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका एनुअल स्पेंड टारगेट यहाँ पे कितना है। दूसरे तरीके की बात करें तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते ही हो, गैस का बिल पेमेंट करते ही हो, मोबाइल का पेमेंट करते ही हो, इंटरनेट का पेमेंट करते ही हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इनमें से किसी भी एक बिलर को ऑटो पे में रजिस्टर कर देना है। बस आपको यहाँ पे इतना ही करना है। उसके लिए आपको अपने HDFC के नेट बैंकिंग में जाना है। यहाँ पे आपको बिल एंड रिचार्ज वाला आप ऑप्शन देख पा रहे हो, यहाँ पे जाके किसी भी एक बिलर को आपको ऑटो पे में डाल देना है। आप जैसे इसको डालोगे, आपका जो आपका एनुअल फीस है वो यहाँ पे आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड आता है उसके 90 डेज के अंदर ही अंदर आपको एक बिलर को ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको और देना है, ऐसा ना कि आपने ऐड किया उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको हटा दिया। अगर हटाओगे तो वापस से आपका एनुअल फीस जो है वो लगने लगेगा। आपने जिस भी बिलर को ऐड किया है उसको आपको ऐड रहने ही देना है। आप उसको हटाओगे तो आपका एनुअल फीस जो है वो लगने लगेगा। और वही अगर आपके क्वेश्चन आएगा कि भैया मेरे क्रेडिट कार्ड को 90 दिन से ज्यादा हो गया तो अब हम क्या करें, तो यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है। आपको क्या करना है, आपको अपने HDFC कस्टमर केयर को कॉल करना है और आपको पता करना है कि क्या आपके क्रेडिट कार्ड में कोई अपग्रेड अवेलेबल है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कोई अपग्रेड अवेलेबल है तो आप उस अपग्रेड को ले लो और नया क्रेडिट कार्ड जैसे ही आता है आप उसको ऑटो पे रजिस्टर कर लो और जो आप अपना क्रेडिट कार्ड है आप उसको लाइफ टाइम फ्री कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।